जिस तरीके से हम लोगों ने विगत 20 वर्ष 21 वर्ष भगवान भरोसे इस राज्य को छोड़ दिया, आपका आशीर्वाद रहा, आपका इसी तरीके से हमें आशीर्वाद मिलता रहा, तो आने वाला समय ये राज भगवान के भरोसे नहीं बल्कि ये राज अपने भरोसे पर खड़ा होगा और अपनी ताकत पर खड़ा होगा। कई ऐसी चीजें हैं जहां हमें अभी काम करने की आवश्यकता है और बहुत गति से काम करने की आवश्यकता है। अभी ये डोर टूटा तो फिर वही ढाक के तीन पात, जहां से चले थे वही आके रहेंगे। अभी हम लोगों का 11 तारीख 11 नवंबर का दिन, हमें भी नहीं पता था 11 नवंबर झारखंड के इतिहास के लिए इतना महत्वपूर्ण दिन होगा। आपको मैं बताता चलूं कि 11 नवंबर को 11 नवंबर 1908 का दिन है जहां इस राज्य में सीएनटी कानून लागू किया गया था और 11 नवंबर ही पिछला साल का है जहां हम लोगों ने सरना धर्म कोड पारित किया था और ये 11 नवंबर ही है 2022 जहां हम लोगों ने 1932 और ओबीसी का आरक्षण देने का काम किया। ये संयोग बस है, आदरणीय गुरुजी हमारे समक्ष बैठे हैं जिन्होंने ये राज बना करके हमें सौंपा, आज उनके नेतृत्व में ये राज मिला, आज उनके आशीर्वाद से ये सरकार बन रहा है और ये हमारी सरकार आपको 1932 देने का काम और ओबीसी देने का काम किया है। ये सौभाग्य की बात है, ऐसा संयोग बहुत कम बनता है, इसलिए ऐसे ही अग्रसर राज को और आगे बढ़ने का और मनोबल के साथ स्वाभिमान के साथ जीने का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास हम सब लोग करें। इन्हीं बातों के साथ आज के इस शुभ अवसर पर यहां उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।